हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं। इसमें से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मिसलिनियस से रिलेटेड पूछा जाता है मिसलिनियस एक्सरसाइज से। और ये एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें कि जो भी चैप्टर दिया होता है स्टार्टिंग में, जितनी भी एक्सरसाइज जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक का जो है मिक्स होता है। अभी हमने किया था डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में जितने भी टॉपिक पढ़ा हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जितने भी पढ़ा हमने, पैरामेट्रिक फंक्शन, जो भी चीज है वो सभी के इसमें मिक्स आएगा। बट इसमें ये नहीं बोलेगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो चाहिए निकालो, सिंपल सम देगा और बोलेगा अपना फाइंड डी बाय डीएक्स या जो भी कंडीशन बोलेगा वो हमें करना है। ठीक है, और ये पूरे एक्सरसाइज का मिक्सर होता है हमारे पास है। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता हमारे पास क्या है, ये दे रखा, और सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, लेट y इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना हमारे पास है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, डी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां उतर गया बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स, 3x स्क्वायर 9x प्लस में 5 की पावर 9। अब सबसे पहले क्या करना है, इस पावर बाहर जो पावर है हमारे पास इसका करना है। ये पावर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 9, 3x स्क्वायर 9x प्लस 5, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ उधर जाएगा d अपॉन में dx, इसके अंदर जो पावर का जो अंदर है उसके इसके अंदर है नहीं। ठीक है, ये ले लिया हमने, यहाँ पे पावर नहीं आया क्योंकि पावर तो मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब जो इसके अंदर है ना उसको यहाँ लिख दें। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, 9 3x² 9x प्लस 5 की पावर 8, इसका कर दो 6x 9 माइनस के 9, एक्स का क्या था मान 5 का 0, तो क्या 6x माइनस में 9, देखो 6 और इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो कितना जाएगा 27, 3x² 9x 5 8, यहाँ उतर गया 2x माइनस में 3, आ गया आपके पास क्या आंसर। क्लियर, ये देख रखा हमारे पास किसका, सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन है। क्यों बच्चों यहाँ पे लेट y इक्वल टू, इसको यहाँ उतार लेता हूँ, साइन क्यूब एक्स प्लस में कोस 6x। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां उतर गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स, साइन क्यूब एक्स कोस 6x। सबसे पहले पावर के करोगे इसके 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन इसके करोगे आ गया पे कोस एक्स प्लस, फिर इसमें पावर के करोगे आ गया 6 कोस 5x, फिर कोस एक्स के करोगे तो क्या आएगा माइनस के साइन एक्स। क्लियर, क्या आपको मना रहे, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख दो, माइनस के 6 साइन एक्स कोस की पावर 5x। अब देखो साइन कोस इसमें भी, साइन कोस इसमें भी है, और 3 इसमें और 6, 3 और 6 में 3 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 3 साइन एक्स और कोस एक्स हमने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ 3 बार निकल गया, कोस बार निकल गया, साइन से 1 साइन निकल गया, बच्चे यहाँ पे साइन एक्स माइनस के, यहाँ क्या जाएगा 2, साइन से बाहर मिल गया 1 बाहर मिल गया, तो क्या यहाँ पे कोस की पावर 4x, ये आपके पास क्या आंसर आया। क्लियर, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इधर का वाई इज इक्वल टू, ये दे रखा था मतलब लेट y इज इक्वल टू 5x के पावर 3 cos 2x। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या 5x एलजेब्रिक फंक्शन है, और cos वाला क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन है। अब एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है, जब कभी भी दो फंक्शन दिए होंगे, एक फंक्शन के पावर में कोई दूसरा फंक्शन दिया हो, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, टेकिंग लोग बोथ साइड अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का अप्लाई करके डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बच्चों, टेकिंग लोग बोथ साइड, टेकिंग लोग
बोथ साइड। लॉग वाई लॉग 3x की पावर सॉरी 5x की पावर 3 cos 2x, ये क्या आ गया पावर शुरू में आ गया 3 cos 2x और लॉग 5x। अब यहां डिफरेंशिएशन करना है इस क्वेश्चन का, आप लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या देखो लॉग वाई क्या होता है 1 अपॉन में y और y का dy अपॉन में dx, क्लियर। प्रोडक्ट रूल 3 cos 2x d अपॉन में dx log 5x, फिर प्लस में यहां पर log 5x d अपॉन में dx 3 cos 2x, क्लियर ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये तो ऐसे उतर जाएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx 3 cos 2x, लोग क्या करोगे लोग x से क्या तो 1 अपॉन में x तो नीचे क्या जाएगा 5x, फिर 5x के करोगे तो इनटू में 5, क्लियर। प्लस log 5x 3 तो कांस्टेंट है, अब देखो cos का करोगे तो क्या जाएगा माइनस के sin 2x इनटू में 2x का करोगे तो क्या 2x का 1। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 cos 2x अपॉन में x, यहां भी आ गया माइनस के 2 into 3 6 log 5x sin 2x, ये आपके पास क्या आंसर आ गया, क्लियर। अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले भी ले सकते हैं, कॉमन लेना कॉमन से इतना छोड़ देने क्या आएगा ये आंसर है, क्लियर नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों दे रखा है हमारे पास क्या है y is equal to sin inverse x root x, तो सबसे पहले यहां देखिए एंगल में दे रखा है x root x, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं इसकी पावर 1 रूट डाउन हो तो क्या जाएगा 1 by 2 पावर, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाता है, यहां क्या आ गया x की पावर 3 by 2, तो इसको क्या करूंगा अंदर वाले को सबसे पहले ब्रेक कर दूंगा x की पावर 3 by 2 में, ये उतर गया बच्चों यहां से y is equal to में sin inverse x की पावर 3 by 2, क्लियर। अब यहां करना डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx d अपॉन में dx sin इनवर्स x की पावर 3 by 2, क्लियर। अब देखो ध्यान से बच्चों sin इनवर्स से क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3 by 2 का स्क्वायर, फिर इनटू में d अपॉन में dx, इसके एंगल में क्या है x की पावर 3 by 2, क्लियर। अब देखो ध्यान से बच्चों 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा x की पावर 3, क्लियर। क्या बच गया हमारे पास है, अब इसका करूंगा तो क्या जाएगा 3 by 2 x की पावर 3 by 2 माइनस 1, पावर एक कम हो जाता है ठीक बच्चों, यहां तो उतर गया ये बच्चों 1 माइनस एक्स की क्यूब, यहां क्या जाएगा 3 बाय 2 एक्स की पावर मल्टीप्लाई कर दो इसमें क्या आ गया 2 यानी कि 1 बाय 2, ये आ गया हमारे पास ठीक है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स की क्यूब, ये आ जाएगा यहां पे 3 बाय 2 इनटू में हटाने के लिए क्या कर दिया मैंने 1 बाय 2 का मतलब क्या रूट एक्स ठीक है, ये यहां पे आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 बाय 2 रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स की क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब इस पे भी रूट है इस पे भी रूट है, तो मैं यहां से क्या करें एक साथ रूट में ले सकता हूं इन सबको एक साथ, ऐसा नहीं कि एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स के जो, ये आपके पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चों, किधर का हमारे पास देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। प्रोडक्ट रूल सॉरी क्या डिवीजन रूल ठीक है,
क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, डिवीजन रूल, यानी कि डी अपॉन में डी एक्स यू अपॉन में वी, यानी कि वी डी अपॉन में डी एक्स यू माइनस के यू डी अपॉन में डी एक्स वी अपॉन में वी स्क्वायर, ये वाला रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है। देखो ध्यान से बच्चों, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डिवीजन रूल अप्लाई कर दो इसमें, रूट टू एक्स प्लस में सेवन डी अपॉन में डी एक्स कोस इनवर्स एक्स बाय टू माइनस में कोस इनवर्स एक्स बाय टू डी अपॉन में डी एक्स टू एक्स प्लस सेवन रूट में, फिर अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन रूट इसका स्क्वायर। क्लियर, इसमें इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे उतर गया टू एक्स प्लस सेवन ऐसे उतर गया इन टू में कोस इनवर्स के क्या था माइनस के वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वैल्यू क्या हमारे पास है ये, ठीक है, फिर इन टू में एक्स बाई टू का करूंगा तो क्या आएगा वन बाई टू एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है, माइनस के कोस इनवर्स एक्स बाई टू इन टू में इस रूट क्या करूंगा तो वन बाई टू टू एक्स प्लस में सेवन इन टू में, अब इसके अंदर का डेरिवेटिव करूंगा डाइड कर देता हूं तो क्या आएगा सेवन का जीरो और टू एक्स का टू। क्लियर, अब यहां क्या आ जाएगा टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया इसके अपॉन में क्या है टू एक्स प्लस में सेवन। क्लियर, ये दे रखा है। अब जो सिंप्लीफाई करके लिखना हमारे पास क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अब देखो ये उतर गया हमारे पास क्या है टू एक्स प्लस सेवन, इस माइनस को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, और टू यहां उतर गया वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर, ठीक है, ऊपर ऊपर के मल्टीप्लाई कर दिया यहां तक जाएगा माइनस के, देखो माइनस है तो माइनस आ गया रूट वन इंटू वन ये ऊपर आ गया और टू यहां आ गया और ये हमारे पास क्या इस तरीके से लिख दिया। क्लियर, अब देखो माइनस के यहां उतर गया कोस इनवर्स एक्स बाय टू अपॉन में टू एक्स प्लस में सेवन रूट के अंदर, ठीक है, इन सबके बटे में ये चल रहा है, तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख दूं बट्टे से हटाकर, क्या लिखिए इनको ब्रैकेट में लेकर के मैं यहां पे ऐसे ये गुना में आ जाएगा वन बाई टू एक्स प्लस में सेवन, ये चीज क्या मल्टीपल में हो जाएगा उधर जाकर के। क्लियर, अब देखो आंसर में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है माइनस के टू एक्स प्लस सेवन अपॉन में टू, इसको मैं क्या कर दूं अंदर एल से मिल लेते यहां पे फोर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर कोस इनवर्स एक्स बाय टू अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन इंटू वन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन। क्लियर, ठीक है, अब क्या करना, देखो ये ऊपर जाकर बाहर निकाल रहे हैं इसको ना तो वन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन टू इन टू में देखो वन बाई फोर बाहर निकालोगे तो वन बाई टू निकल गया रूट में क्या बचेगा फोर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस के कोस इनवर्स एक्स बाय टू अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन इन टू में वन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन। क्लियर, अब देखो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया। क्लियर, अब इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ कर दो तो क्या जाएगा देखो माइनस के टू एक्स प्लस सेवन अपॉन में फोर माइनस में एक्स स्क्वायर इन टू में वन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन माइनस के कोस इनवर्स एक्स बाय टू अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन और टू एक्स प्लस सेवन। क्लियर, अब देखो इससे ये कट गया था एक बार रूट में बचेगा यहां पे ये उतर गया माइनस के वन अपॉन में फोर माइनस में एक्स स्क्वायर रूट में टू एक्स प्लस सेवन फिर यहां पे माइनस के कोस इनवर्स एक्स बाय टू अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन और
2x प्लस 7 रूट का है। चाहो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 2x की पावर 3 बाय 2 भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे रखना था ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ऐसे इसके मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यानी कि को सॉरी क्या 2x प्लस 7 की पावर 3 बाय 2, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे।